हमने अभी तक जो है वेरिएबल में नंबर वेरिएबल देख लिया है, स्ट्रिंग वेरिएबल देख लिया है, और ये हमने सारे ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, ये ऑपरेटर्स डिस्कस करने के बाद हमने क्या देख लिया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर इनपुट और आउटपुट जो था उसका तरीका डिस्कस कर लिया था, तो ये चीज़ अभी तक हम कर चुके हैं। अच्छा, अब ज़रा हम ये बूलियन को डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा, कि ये बूलियन क्या बला है। अच्छा, और फिर एरे और ऑब्जेक्ट की तरफ भी हम मूव करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा, बूलियन जो है ना वेरिएबल, ओके मैं यहाँ पे बना देता हूँ 5-ES6 बूलियन, और इसमें मैं बना देता हूँ जी के एक अदद index.html। अच्छा, बूलियन वेरिएबल जो बनाने का तरीका है ना, वो बिल्कुल उसी तरह है। जिस तरह एक नंबर वेरिएबल या जिस तरह मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से है। यानी कि मैं लेट लिखूंगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखूंगा मैं, उसके बाद इक्वल लगा के इसमें जो मैं वैल्यू डालता हूँ ना, ये डिफरेंट है। अच्छा, आप नोट करें कि ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग होता तो इसमें ऐसे डबल कोटेशन होता, ये बगैर स्ट्रिंग के ये फॉल्स लिखा हुआ है। अच्छा, तो जो बूलियन वेरिएबल होता है उसमें एक वक्त में या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स हो सकता है, कि इसमें कोई तीसरी वैल्यू नहीं आती आमतौर पे। ठीक है, बूलियन वेरिएबल का मतलब है कि या तो ट्रू या तो फॉल्स। अच्छा, तो ये मेरा बूलियन वेरिएबल बन गया। अच्छा, इसको मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, तो ये ट्रू या फॉल्स जो भी होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इज़ एक्टिव को आप क्या कर दो, प्रिंट करवा दो, तो ये क्या कर देगा, इसको प्रिंट करवा देगा एज इट इज़। कॉपी पाथ। अच्छा, मुझे ये चाहिए रिजल्ट इस तरफ और ये चाहिए इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे आया मैं। अच्छा, मैंने स्क्रीन पे कोई हेडिंग नहीं डाली है, वो भी लगा देता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट में गया, कॉन्सोल पे गया, और कॉन्सोल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे कॉन्सोल को जब देखा, तो यहाँ पे लाइन नंबर 15 से ये कह रहा है कि जी मैंने ये फॉल्स ला के यहाँ प्रिंट कर दिया। अच्छा, आप नोट करें कि यहाँ प्रिंट होते हुए भी ना, ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग ज़रा रेडिश कलर का प्रिंट होता है। अगर स्ट्रिंग प्रिंट होगा ना तो वो किस तरह का होता है, वो कुछ मैंने कार लिख के प्रिंट किया ना अगर स्ट्रिंग में ऐसे, तो ये प्रिंट होते हुए ना ज़रा इसका कलर एक, ठीक है, फॉल्स अलग कलर से हुआ, ये अलग कलर से हुआ, यानी यहाँ पे कॉन्सोल पे भी ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होता, ये एज अ बूलियन वेरिएबल प्रिंट होता है। अच्छा, आमतौर पर ये वाला जो वेरिएबल है वो किस तरह का डेटा रखने के लिए इस्तेमाल होता है, ये नाम से ही जाहिर है। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रू या फॉल्स आ रहा है, तो बहुत सारे जो सवालात होते हैं जो मैं यूज़र से पूछता हूँ सामने से, ठीक है, वो जवाब में मुझे हाँ या नहीं में वो जवाब देता है। ठीक है, जैसे कि अगर वो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आर यू पाकिस्तानी, तो वो बोलेगा यस या नो बोलेगा वो, तो यस या नो के अगेंस्ट जब मैं उसको वेरिएबल में उस डेटा को स्टोर करता हूँ ना, तो वो मैं ट्रू या फॉल्स के अंदर कर सकता हूँ। अगर मैं वैसे तो स्ट्रिंग में भी कर सकता हूँ कि यस मैं स्ट्रिंग में लिख दूँ, नो स्ट्रिंग में, वो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बट उससे क्या नुकसान होगा, उससे नुकसान जो होगा कि वो स्ट्रिंग का जो साइज़ है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बूलियन का साइज़ कम होता है। अच्छा, बहुत जल्दी हम सेशन करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ये वेरिएबल मेमोरी में किस तरह सेव होते हैं, तो उस पॉइंट पे हमें ये पता लग जाएगा कि ये कम साइज़ लेता है और स्ट्रिंग ज़्यादा साइज़ लेता है, तो उसका क्या चक्कर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इस तरह का कोई डेटा और उसको हम बूलियन में स्टोर करते हैं, कि यस या नो वाली कोई बात हो, या जैसे मेल या फीमेल वाला है कि दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि या तो एक को ट्रू बना दूंगा, एक को फॉल्स बना के मैं स्टोर करवा देता हूँ। अच्छा, एक और आप ना चीज़ गौर करें कि इसके नाम के साथ ना मैंने ये लगाया हुआ इज़। ठीक है, तो ये ना एक कन्वेंशन है कि जो बूलियन वेरिएबल है उसके नाम के साथ इज़ लगाता हूँ मैं। जैसे कि मैं कहूँगा इज़ ओपन, तो इज़ ओपन फॉल्स का मतलब है कि ओपन नहीं है, तो मैं इज़ लगाता हूँ इसके नाम के साथ। ये कन्वेंशन है ताकि वेरिएबल का नाम देख के ही मुझे पता लग जाए कि इस वेरिएबल में क्या मिलेगा मुझे, या तो ट्रू या तो फॉल्स मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसको वेरिएबल को अगर मैंने चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार इज़ एक्टिव जो था ना वो यहाँ पे फॉल्स था, फिर मैंने कहा कि जी इज़ एक्टिव को क्या कर दो, अब आप ट्रू कर दो। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, मैं दोबारा इसको कॉन्सोल करूँगा तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। सही है, यहाँ पे मैंने इसको बनाया, यहाँ पे मैंने इसको कॉन्सोल किया, फिर मैंने इसको चेंज किया और दोबारा कॉन्सोल किया, तो आप देखेंगे कि एक तरफ ये ट्रू देगा और दूसरी तरफ ये फॉल्स देगा।
क्योंकि मैंने इसको जब चेंज कर दिया तो ये चेंज हो गया, जस्ट लाइक अ नंबर वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंस बस ये है कि इसके अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है। अच्छा, अगर कोई वेरिएबल है, जैसे कि लास्ट क्लास में भी एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि अगर एक वेरिएबल है और वो शुरू में स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो क्या बाद में मैं उसमें नंबर स्टोर करवाऊंगा तो वो हो जाएगा? जी, इसका जवाब है हाँ। ठीक है, इसी तरीके से कोई वेरिएबल बनाते वक्त अगर वो बूलियन था, बाद में मैं उसमें नंबर स्टोर कराऊंगा, हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें वेरिएबल की कोई टाइप नहीं होती। कुछ कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं इसमें लेट की जगह मैं लिखता हूँ INT तो उसमें नंबर ही स्टोर होगा, या मैं इसके अंदर यहीं पे लिखता हूँ स्ट्रिंग तो उस वेरिएबल में स्ट्रिंग ही स्टोर होता है, कुछ और करो तो एरर दे देता है वो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे इज एक्टिव को जब यहाँ पे कोई नई वैल्यू मिलती है ना, तो जब जब इसको नई वैल्यू मिलती है अपनी टाइप खुद डिसाइड करता है कि क्या होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ट्रू की जगह मैं क्या दे देता हूँ, मैं इसको 34 दे देता हूँ, तो ये ले लेगा 34, और यहाँ पे क्या होगा, पहले फॉल्स और उसके बाद ट्रू की जगह 34, तो ये फॉल्स हुआ उसके बाद 34 हो गया। या इस 34 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता कि भाई बस, सही है, कार या बस, कोई मैंने स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी तो ये उसको भी ले लेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस प्रिंट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल की कोई इटसेल्फ फिक्स टाइप नहीं होती, जब उसको जिस तरह की वैल्यू मिले वो उस तरह का अपने आप को वो बना लेता है। ठीक है, तो वेरिएबल को चेंज करते हुए मैं उसको, अगर शुरू में वो बूलियन था उसको मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मना नहीं करेगा। हाँ, स्टिल ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आपने कोई वेरिएबल बनाया था उसके नाम के साथ इज़ लगाया था आपने, जो कि जो पहचान है कि अच्छा जी ये नाम देख के ही पता लग जाए, और बाद में आप उसमें स्ट्रिंग रखवा दें, तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसको आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल आपने इज़ करके ये बनाया है, तो आप क्या करेंगे उसमें ट्रू फॉल्स ही रखवाएंगे, आप उसमें नंबर वगैरह कोशिश करेंगे कि आप ना रखवाएं। ठीक है, अच्छा, अगर ये इज़ ना लगाएं इसके साथ तो भी ये वेरिएबल का नाम है भाई। कन्वेंशन के बारे में हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि कन्वेंशंस क्या होती हैं, अगर हम फॉलो कर लें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, कोड हमारा दोनों सूरतों में सही चलता है। लेकिन जो ये कन्वेंशंस जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने कैमल केस का नेमिंग कन्वेंशन देखा था, ये हमने दूसरा नेमिंग कन्वेंशन देख लिया अभी, तो अगर मैं कैमल केस में ना लिखूं तो कोई मसला नहीं है, कोड मेरा बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन जो फेलो डेवलपर्स हैं, जो मेरे साथ दूसरे काम करने वाले डेवलपर्स हैं, उनके लिए आसानी हो और मैं खुद जब इसको बाद में रीड करूं अपने कोड को, या बाद में मैं 3 4 महीने बाद इसको कोड को मॉडिफाई करने के लिए आऊं, तो मुझे खुद को आसानी हो, इस चीज़ के लिए मैं ये कन्वेंशंस का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है जी, अच्छा, अब ये बूलियन वेरिएबल समझ आ गया सब लोगों को, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब ये बूलियन वेरिएबल इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं? नंबर एक तो मैंने कह दिया कि यार इनपुट लेते वक्त ना यूज़र से, कोई मैं या हाँ या नहीं वाली कोई बात पूछनी है तो वो मैं लेता हूँ, या डेटाबेस, अभी हमने नहीं पढ़ा डेटाबेस, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट। तो डेटाबेस में भी क्या होता है कि सम टाइम हम कुछ चीज़ों को ट्रू फॉल्स में स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स जो है, जहाँ पर भी सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होगी ना, वहाँ पर ट्रू फॉल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है जी, अब हम ज़रा देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या अवेलेबल है। एरे और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अब हैं, तो हम एरे और ऑब्जेक्ट्स की तरफ हम मूव कर लेते हैं ज़रा। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम आया कि एरे और ऑब्जेक्ट को हम पहले कवर कर लें, या हम ओके एरे और ऑब्जेक्ट को हम कवर कर लेते हैं पहले। सही है, एरे की तरफ मूव करते हैं।